नाजरीन आदाब, आज़ादी चैनल में आपका खैर मकदम है। ज़िले निज़ामबाद बोधन में अंबेडकर चौराहे पर एमएलए शकील आमिर के हाथों शिवाजी महाराज के मुजस्मे की नकाबकशाई अमल में लाई गई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बोधन से हलीम कुरैशी की रिपोर्ट। बोलो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। ముందుకు పోవాలని మీ అందరికీ నేను రెండు చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ముస్లిం భాయం సే భీ మేరీ గుజారిష హే, శివాజీ మహారాజ్ ముసల్మానో కే దుష్మన్ హే, ఫలానా హే, ఐసా హే బోల్ కే కోయి పొలిటికల్ పార్టీస్ క్రియేట్ కర్ రహే సో కాంట్రోవర్సీ హే। మెహర్బానీ కర్కే హిస్టరీ పడియే, హిస్టరీ మే ఆప్కు రహతా, అగర 1.5 లాఖ్ శివాజీ మహారాజ్ కీ ఆర్మీ థీ तो उसमें 66,000 मुस्लिम सोल्जर थे। शिवाजी महाराज की आर्मी में नवल आर्मी रहने दीजिए, ग्राउंड आर्मी रहने दीजिए, सबके आर्मी चीफ मुस्लिम्स थे। शिवाजी महाराज के दौर में मस्जिदें बनाई गई, जो मस्जिद के इमाम थे उनके लिए भी शिवाजी महाराज खुद घर बना के दिए सोए। तो ये गलत फहमियाँ सियासी फायदे के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, रिलीजियंस को लड़ाने के लिए, शिवाजी महाराज कभी ज़िंदगी में मज़हब की लड़ाई नहीं लड़े। उन्होंने अपनी रियासत की लड़ाई लड़े लेकिन मज़हब की लड़ाई कभी नहीं लड़े। तो ऐसी गलत फहमियाँ कुछ लोग पैदा कर रहे। मेहरबानी करके अल्लाह ताला आपको अखले सलीम दिया, किताबें पढ़िए, देखिए, हिस्ट्री निकाल लिए, आपको मालूम होगा यहाँ पर कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। और मेरे को मालूम है कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो भी हादसा हुआ था, जिस तरीके से ये स्टैचू लगाया गया था, वो तरीका गलत था, उसकी मैं निंदा करता हूँ। वो गलत चीज़ थी। आइंदा बोधन में अगर ऐसी कोई चीज़ रिपीट होंगी तो उस पर स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की गंगा जमनी तहजीब और भारत देश की, हिंदुस्तान की एकता को हमेशा कायम रख के भाईचारे से प्यार